कश्मीर के पत्नी टॉप इलाके में एक मुठभेड़ होती है। देर रात कुछ आतंकियों को देखा जाता है। भारतीय सेना के जवान उन आतंकियों पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिसमें एक आतंकी घायल हो जाता है। लेकिन उनके साथ जो बाकी तीन आतंकी, जो कि बताए जा रहे हैं कि चार टोटल आतंकी थे, बाकी आतंकियों ने सेना के एक अफसर पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसके बाद एक जो सेना का अधिकारी था वो शहीद हो गया है। छाती पर तीन गोलियां लगी थी, जख्मी हालत में उनको अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन अपने जख्मों का ताव ना सहते हुए वो देश के लिए वो बलिदान हो गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है इन घने जंगलों में। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देखने की कोशिश करें, नारायण दत्त आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इन घने जंगलों में ऐसा इलाका है ये पत्नी टॉप का। हालांकि ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर लोग घूमने आते हैं, लेकिन इनके पीछे पहाड़ियों पे आप देखिए किस तरीके से लोगों के यहाँ पर घर हैं। मौसम खराब है, धुंध हो जाती है, बेहद मुश्किल हो जाता है ऐसे इलाके में सर्च ऑपरेशन करना या जंगलों में छुपे आतंकियों को ढूंढना। लेकिन आपको बता दें कि ये जम्मू संभाग में फिर से जो आतंकवादी घटनाएं रिवाइव हो रही हैं, उसके चलते आप देखिए कि तरह से एक के बाद एक हमला हो रहा है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पे हैं और उनको भी आए दिन ये मैसेज मिलता है कि पाकिस्तानी आतंकी जो है ज्यादा तादाद में जम्मू संभाग में घुस गए हैं, और यही वजह है कि आए दिन हमले को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन एक के बाद एक हमले को अंजाम देने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पे तो हैं ही, लेकिन आतंकी भी अपनी नापाक कोशिश को अंजाम देने में पीछे नहीं हट रहे हैं। हालांकि हमारे जवान यहाँ पर शहीद हो रहे हैं, हमारे जवान छाती पर गोलियां खा रहे हैं, लेकिन आतंकियों को निस्तनाबूद करने का प्रयास जो है वो भी लगातार जारी है। आपने देखा।